दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, निचली कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को दी थी जमानत, ईडी ने हाईकोर्ट में दी थी निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती। केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक को लेकर सांसद संजय सिंह का बयान, पूछा किस आदेश को चुनौती देने हाईकोर्ट पहुंच गई ईडी, अब तक राउज एवेन्यू कोर्ट से जारी नहीं किया गया है आदेश। भर्तृहरि महताब बनाए गए प्रोटेम स्पीकर, सदन में नव निर्वाचित सांसदों को दिलाएंगे शपथ, कटक लोकसभा सीट से सांसद हैं महताब। प्रोटेम स्पीकर पर बोले जयराम रमेश, बोले के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की थी उम्मीद, आमतौर पर सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर। आज से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन, दिल्ली जल संकट को लेकर कर रही है अनशन आतिशी का हरियाणा सरकार पर दिल्ली को पानी न देने का आरोप। यूजीसी नेट मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, आईपीसी की धारा 420 120 बी के तहत दर्ज की एफआईआर, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई है एफआईआर। बिहार आरक्षण कानून रद्द होने पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट जाए बिहार सरकार, बीजेपी को बताया घोर आरक्षण विरोधी। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से की मुलाकात, ज्ञापन सौंपकर विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू करने और जल्द चुनाव करवाने की भी की मांग, राज्य में अल्पमत में है सैनी सरकार। नीट और नेट परीक्षा को लेकर आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, गुरुवार को नीट अभ्यर्थियों ने की थी राहुल गांधी से मुलाकात, राहुल ने संसद में भी नीट मुद्दा उठाने की कही है बात। आईसीसी विश्व कप T20 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला, जीतने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना हो जाएगा आसान, रात 8 बजे से शुरू होगा मैच का प्रसारण।